अब आप पेटीएम के फिक्स डिपॉजिट में जो है मिनिमम 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। सो हे गाइज, दिस इज कैफे एंड वाचिंग टेक्निकल कैफे यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली गाइज, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले पेटीएम के फिक्स डिपॉजिट के बारे में कि कैसे आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में कवर कर देंगे। सो प्लीज़ वीडियो को जरूर जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और लेटेस्ट ऑफर के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो देखिए, पेटीएम के फिक्स डिपॉजिट पर मैंने आपको वीडियो दिया था तकरीबन एक साल पहले, तो उस समय क्राइटेरिया ये था कि आपको फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम आपके सेविंग बैंक अकाउंट में, पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया होना चाहिए था, तभी जाके आपका इन्वेस्टमेंट होता था। यानी कि आपका 1 लाख रुपये से ऊपर का जितना भी अमाउंट होता था पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट में, वो ऑटोमेटिक आपका फिक्स डिपॉजिट में ओपन कर दिया जाता था, और आप पैसा जब वहां से निकालते थे तो आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं लिया जाता था। तो देखो, 1 लाख रुपया करना तो बहुत मुश्किल हो रहा था, तो पेटीएम ने एक अपडेट ला करके दे दिया कि अब जो है आप इन्वेस्टमेंट जो है 100 रुपीज यानी कि मिनिमम से मिनिमम 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको लाइव यहां पे करके दिखाता हूं। तो देखिए, कुछ खास नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपना पेटीएम ऐप ओपन करना होगा। आपका अकाउंट जो है फुल केवाईसी होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर फुल केवाईसी नहीं किया हुआ रहेगा तो आप जो है फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो जस्ट आप यहां पे जो बैंक वाला सेक्शन होता है इस पर आप क्लिक कर लीजिए, आपको यहां पे पासवर्ड डालने को बोला जाएगा, तो आपका बैंक वाला सेक्शन पूरा आ जाता है, जिसमें आपका डेबिट कार्ड हो गया वो दिख जाएगा, सेविंग बैंक अकाउंट दिख जाएगा, और नीचे में ऑप्शन मिलता है अर्न अप टू 6.65 इंटरेस्ट ऑन योर फिक्स डिपॉजिट। क्लियरली यहां पे बोला गया है कि ब्रेक योर फिक्स डिपॉजिट एंड ट्रांसफर फुल और एनी अमाउंट टू योर सेविंग अकाउंट विद नो पेनल्टी चार्जेस। बहुत ही बढ़िया चीज है, आप किसी भी बैंक का भी फिक्स डिपॉजिट को अगर जो है ब्रेक करोगे बीच में उसका जो है मैच्योरिटी पीरियड से पहले, तो आपको वहां पे पेनल्टी देना पड़ता है। लेकिन पेटीएम फिक्स डिपॉजिट में एकदम क्लियर बोल दिया है कि आज इन्वेस्ट करो, लेकिन कल भी उस पैसा को अगर ब्रेक करते हो तो आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, यहां पे खास ये इसलिए होता है क्योंकि आपको देखिए सेविंग बैंक अकाउंट में 3.5% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में 6.65% का मिलता है, इसलिए ये आपका सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखने से ज्यादा बेस्ट फिक्स डिपॉजिट में होता है। तो करना कुछ खास नहीं होगा, ओपन फिक्स डिपॉजिट वाला अकाउंट पे क्लिक करना है, इस पे आप क्लिक कर लेंगे तो यहां पे आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है क्या क्या इसका बेनिफिट है। सबसे पहले आपको यह चीज बोला गया है कि 6.65% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल भी है जिसको आपको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 रुपया आज डाला और उसको और एक सप्ताह बाद आप निकालते हो तो आपको 6.65% मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नीचे से ही आ जाते हैं, अगर आप जो है कुछ भी इन्वेस्ट करोगे उसको अगर 6 दिन तक रखते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट देखने का जरूर नहीं मिलेगा, लेकिन उसे आप अगर 7 से 14 दिन तक रखते हो तो आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा, और लास्ट जो आता है वो है आपका 12 से 14 मंथ के लिए रखते हो तो आपको 6.65% तक का मिलेगा। तो मिनिमम अगर देखिए मान करके चलिए आप 6 महीना का भी रख लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, 6 महीना में भी अच्छा खासा मिल जाएगा, 5% तक का मिल जाएगा, तो ये भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये इंटरेस्ट टेबल को भी आप एक बार चेकआउट कर लेना, जो कि यहाँ पे पूरा डिटेल में बोला है। दूसरा यहाँ पे बोला है कि नो पेनल्टी ऑन ब्रेकिंग फिक्स डिपॉजिट, ब्रेक द इंटायर अमाउंट ऑन जस्ट द अमाउंट यू नीड। एकदम क्लियर सा बात है, कोई भी पेनल्टी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप जो है कभी भी इस मैच्योरिटी अमाउंट को यहाँ पे ब्रेक करते हो तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। क्रिएट FD एनी टाइम विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली ₹1000। यहाँ पे 1000 बोला गया है, लेकिन 100 से यहाँ पे हो जाता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोला है चेक योर इंटरेस्ट अर्निंग एनी टाइम, अपना इंटरेस्ट का अर्निंग भी आप देख सकते हो, डेली यहाँ पे अपडेट होते रहेगा कि आपका अमाउंट का जो है कितना जो है यहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो यहाँ पे बता देगा। नीचे आप आओगे तो थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट भी दिया हुआ है कि अज्यूम करके चलिए आप मान करके चलो कि 5000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे 5000 यहाँ पे लिखोगे तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा कि यहाँ पे 13 मंथ में यानी कि 6.65% के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए, 5000 के यहाँ पे आपको मिलेगा 369 और पूरा मैच्योरिटी वैल्यू जो होगा उसका 5369। सेम एज अगर आप 10000 इन्वेस्ट करते हो तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको बता देगा। तो ये एक बार टेबल भी आप देख सकते हो कि आपको मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। जस्ट आप यहाँ पे आप प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आपको यहाँ पे करना है। तो ओपन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए छोटा सा प्रोसेस होता है। यहाँ पे बोला जाए कि ओपनिंग योर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पे आपको कम से कम 2 मिनट का इंतजार करना। अभी यहाँ पे देखिए बोला जाए कि 24 घंटे का आपको इंतजार करना होगा तो आपका जो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करके दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 मिनट भी लगेगा। यहाँ पे एक मैसेज आया है, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट टू रजिस्टर फॉर फिक्स डिपॉजिट, दिस मे टेक अप टू 24 आवर्स, 24 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, इसको यहाँ पे आप कट
कट कर लीजिए। कट करने के बाद देखिए अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, तो आप एक काम करिएगा कम से कम 5 मिनट के बाद आ जाएगा, 5 मिनट के बाद यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे आपका अकाउंट बना हुआ दिख जाएगा। तो चलिए मैं 5 मिनट के बाद ये प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर दिया गया है, और यहाँ पे बताना चाहूंगा 5 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट के अंदर हमारा यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे मिल गया। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है क्रिएट फिक्स डिपॉजिट का, तो जस्ट हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है मिनिमम 100 रुपया से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जस्ट आप लोग यहाँ पे 100 रुपीज लिखोगे तो देखिए यहाँ पे उसका टेबल भी आ जाएगा कि 100 रुपीज का आपको कितना मिलेगा। तो अगर आप इसे 100 रुपीज को 13 मंथ के लिए रखते हो तो आपको इसका 7 रुपया मिलेगा। तो देखो बेसिक सी बात है, 100 रुपया तो कोई नहीं लगाएगा, कम से कम चलिए हम लोग 1000 रुपया करके देखते हैं। 1000 रुपया में हमें मिल जाएगा 74 रुपया का इंटरेस्ट। तो चलिए हम लोग क्रिएट फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा, आपके पासवर्ड डालने को बोलेगा, जो कि आपका पेमेंट बैंक लिंक होगा उसमें जो पासवर्ड होता है वो आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए हम ये भी आपको फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग लेने के बाद ये हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये जो है आपका अमाउंट जो है आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में होना जरूरी है, क्योंकि वहीं से कटेगा पैसा, और अगर आप इसे अगर विड्रॉ भी करोगे तो आपका वहीं पे पैसा आएगा। तो एक चीज आपको ध्यान देना है। तो जस्ट आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है, 1000 हमारा यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है। तो हम अगर अपना अकाउंट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1000 यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखिए यहीं से आप अपना पूरा चार्ट एनालिसिस सब देख सकते हो कि आपका 1000 का भी कितना रुपया बना हुआ है और क्या क्या ऑप्शन और भी मिल रहा है यहाँ पे, और भी आपको बता देते हैं। देखिए 1000 रुपया तो हमारे यहाँ पे शो हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट अर्न में अभी 0 बता रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी तुरंत हमने इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट तो नहीं दिखेगा, 1-2 दिन के बाद यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। उसके बाद ऑप्शन आएगा क्रिएट फिक्स डिपॉजिट का, तो अगर आप चाहते हो कि और इन्वेस्ट करना तो आप यहाँ पे क्रिएट डिपॉजिट पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आएगा ब्रेक योर फिक्स डिपॉजिट, आप अपना ब्रेक अगर फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करना चाहते हो तो तुरंत ब्रेक कर सकते हो, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा कैसे यहाँ पे ब्रेक करना होगा। और उसके बाद व्यू FD पासबुक, ये बहुत ही बेस्ट चीज है, आप अपने पासबुक के थ्रू देख सकते हो कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपका पैसा कितना रिटर्न आ रहा है, सब कुछ यहाँ से आपका हैंडल हो जाएगा। जैसे कि अभी देखिए यह बता रहा है कि मेरा क्रिएटेड ऑन 15 फरवरी 2020 1000, हमने 1000 इन्वेस्ट किया, हमें यहाँ पे शो हो गया। तो आपका जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा वो दिखते जाएगा। उसके बाद टैक्स मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो टैक्स मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो दे सकता हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो आप जो है मिनिमम 100 रुपया से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक बार मैं देखो 100 रुपया भी इन्वेस्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे 1000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया 100 भी करके दिखा दो, तो देखिए मैं 100 रुपया भी करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 100 मैं लिखता हूँ, 100 रुपया, और ये हमारे सेविंग बैंक अकाउंट से ही कटेगा। तो ये आप देख सकते हो क्रिएट पासवर्ड, ओके, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। देखिए 100 रुपया प्रोसेसिंग हमारा लग गया, देखिए 100 रुपया का भी इन्वेस्टमेंट हो गया। तो एकदम क्लियर से बात है, प्रूफ है यहाँ पे इस वीडियो में कि 100 रुपया से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और देखो हमारा 1100 रुपया आ चुका है। तो बहुत ही अच्छा हो चुका है, पहले इतना बड़ा अच्छा अपडेट नहीं था। पहले तो आपको 1 लाख रुपया सेविंग बैंक अकाउंट में रखना पड़ता था पेटीएम पेमेंट बैंक का, फिर उस 1 लाख रुपया से जितना भी ऊपर का अमाउंट होता था वो ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट में जाता था, लेकिन उससे नीचे का कोई ऑप्शन नहीं था कि पेटीएम के फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट करो। लेकिन एक अच्छा अपडेट यहाँ पे आ गया है, और इस तरीके से जो आप पेटीएम के फिक्स डिपॉजिट में मिनिमम 100 रुपया से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो, अगर जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ही जाएगा, पूरा मैंने लाइव आपके सामने यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी पर्सनल सजेशन चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।